हेलो दोस्तों, जय माँ काली। सिद्धपीठ काली मठ माँ काली को ध्यान कर दो। सभी भाई बंधों, सभी दीदी भूलों और सभी दखण वालता मैं विनता राणा प्रणाम कर दूँ। तो दोस्तों, आज मैं आ रखी हूँ बिरौं देवल गाँव में, जो बांसवाड़ा से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। और यहाँ पे है माँ चंडिका देवी का मंदिर, और यह मेला साल भर में एक बार लगता है। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पे कीर्तन भजन सभी महिलाओं के द्वारा, और यहाँ पे माँ चंडिका के दर्शन आगे आपको होंगे। तो बने रहे हमारे साथ। जय माँ काली। Thank you.
ना खुशी से। अंदर से हम आ गए हैं, थोड़ा बहुत दर्शन हो गए हैं और वहाँ पे कीर्तन भजन चल रहे हैं। बाकी छोटा छोटा मेला भी लगा हुआ है। तो दीदी चले गई है घर और हम भी चलते हैं। ठीक है, दोस्तों अभी हम जा रहे हैं दीदी के साथ खेत में जा रहे हैं और यहाँ पे रमा रमी श्यामा सुमी मणि योगे बोल रहे हैं। बल 5,000 दो तब लगाएंगे हम गीत। ये देखो पुराने जमाने की खोली वाला घर जो गणेश जी यहाँ पे हैं। और आजकल आप देख रहे होंगे उत्तराखंड में भी लोग गणेश का विसर्जन कर रहे हैं। वैसे उत्तराखंड के लोगों का तो घर का देव इष्ट देव है गणेश जी, तो गणेश जी का विसर्जन न करें। गणेश जी की तो पूजा होती है उत्तराखंड में। गल ने क्या फोटो थोड़ा मैं खेच नो। राधे राधे, आज इसको फैन आज मस्त है। आज देखो यहाँ पर ये लड़कियाँ बीरो देवल में आ रखी है। यहाँ पर हमारा गणेश भगवान भी है। गणेश भगवान की हम पूजा करते हैं। बहुत सुंदर ये लड़कियाँ, कितने सुंदर लड़कियाँ, कहाँ से आई है ये दीदी। अगर बंटलवा गिलास पिया ना तो मन भी सीख ली डिस्पोजल धोने की आफत। दोनों की आफत है मेरे बुली, अब हम पूजेंगे दिन बुली, हम निशा का बुली है। पहले आलू तो यूं तो पसंद नहीं निकाल दा, इनको भी दे दिया इसी में। अबे पूरे तक गाना ते गाना में डाल यो गाना डालो जाए ये बोल ये बोल बिलेन पारे की यौवा कंदू पाई तते दा रहा हूं। तो अभी हम जा रहे हैं दीदी के साथ खेत में। गीत लगा दो बढ़िया, हम सुन ली भी तुम बढ़िया गीत छा लगा सुन लिया मन ज्यादा रिकॉर्ड। तो खेतों में काम करते करते देखो अपने मस्त होके गाने भी गा रहे हैं ऐसे पहाड़ की नारियाँ। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं उसी खेत में जहाँ पे दीदी का यहाँ पे धान का कुनका लगा रखा है, धान को काट दिया है। बाकी लोगों ने धान यहाँ पे मांड भी दिया है। और यहाँ पे जो सामने मंदिर है यही माँ चंडिका देवी का मंदिर है। तो दीदी ने अपना खेत में तो कर दिया है काम और बाकी अब लोगों के खेत में आ रखी है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको दिखाते हैं धान कैसे, ये देखिए बहुत सुंदर, ये है धान। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। और इसमें बहुत हमारे यहाँ जैसे इतना ज्यादा नहीं होता है, यहाँ पे धान बहुत अच्छा हो रखा है।
तो आपको दिखाते हैं धान काटने के बाद इसका इकट्ठा कैसे करते हैं। इसको 4-5 दिन के लिए ऐसे करते हैं, इसको 7 दिन के लिए, 4 भी धोरी सकते नहीं दीदी, 5 भी, 7 भी, जो जो 7 था देर को नहीं तोड़ो लो, तो दूसरा तीसरा दिन भी लोन माना था वो तो सपे साढ़ी छो, तीसरा दिन भी हुए जान हमारे अपन तीसरा दिन भी कर देना। तो एक को मोड़ दिया है और दूसरे को ना इसके ऊपर रखेंगे, फिर इसको ऐसे गोल में घुमाते रहेंगे। घास दबेल थे, गुड्डी भूल गई है, एक इन खेत का काम नहीं करती है। फिर ऐसे ऐसे घुमाते रहेंगे। झाड़ा रुक नहीं ना, तो लास्ट वाला जो पूला होता है उसको ऐसे बांधते हैं, और उसको कैसे करते हैं दीदी करो तो इस तरह से, इसकी पैकिंग हो गई बस। तो इसको ऐसे बंद कर दिया, उसका जो भी बीज है पूरा बीज अंदर है, बाकी बाहर बाहर उसका घास घास दिखाई दे रहा है, आपको धान कहीं नहीं दिखेगी। तो इस तरह से सटी का जो कोन का लगता है इस तरह से लगता है, ऐसे लग रहा है यहाँ पे कहीं है इसमें धान, तो कहीं भी नहीं जाएंगे, बीज खराब नहीं होंगे, अंदर ही रहेंगे। तो अब इसमें एक पत्थर रखेंगे और पत्थर के ऊपर रखेंगे गणेश। दोस्तों आगे हो रही है यहाँ पे घास काटने की तैयारी, अब इन्होंने तो धान तो काट दिया, अब अपने अपने लिए सबके जो कंडे हैं ये लार के हैं, इनके लिए ऐसे घास निकाल रहे हैं। लगभग थोड़ा थोड़ा घास भी इन्होंने निकाल दिया है और अब चल रहे हैं दूसरे खेत में। पुर अभी नहीं है, पुर फुल नहीं जान। तो मैं ना घास काटना भूल गई हूँ, ये देखो मैंने इतना घास निकाल दिया है दीदी के गाय के लिए, गाय के लिए निकाल दिया है। अब दीदी ने जब एक छोटा फूल निकाल दिया पर मेरे को डर लग रही है आजकल घास काटने के लिए, इसलिए मैं ऐसे में निकालू घास। सुनो एक ओखान बोलते हैं सासवा कर यामा बल बुआरी रंग था। हाँ दा तो दे दिन जब सोल्ड पुल गाड़ी तब मैं यमो इंच में आ चुका हूँ, इंच में गोका मुंड तो यामा गाड़ नो मी। दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ इसलिए निकाल रही, कल हम एक कॉमेडी वीडियो बनाएंगे और दीदी घास के लिए नहीं आएगी, घर में रहेगी वीडियो बनाएगी, इसलिए आज उनके लिए घास निकाल देते हैं, तो इसलिए ये थोड़ा रिश्वत है। और सब चले गए हैं, आइए पीछे छूट गई है, आराम से जा रही है। हाय बोलो, हेलो हेलो बोलो, हेलो हाय, ये थकी हुई है बहुत ज्यादा, दीदी ढूंढ रही है यहाँ पे करेला, कड़वे करेले।
तो आज खाएंगे करेले की सब्जी। ये देखो पहाड़ी करेले अभी निकाले हैं ताजे ताजे, और मिलेंगे तो। पहुंच गए हैं घर पे दीदी के घास लेके, और यहाँ पे ना बहुत सारे मच्छर हो रहे हैं, बहुत ज्यादा मच्छर हमको खा रहे हैं। अब मच्छरों के लेना जीजा जी यहाँ पे व्यवस्था कर रहे हैं। देखो घर की पहाड़ी व्यवस्था, पहाड़ी गूगल, पहाड़ी गूगल, हाँ ये गूगल ना लो, और ना धूप, पहाड़ी धूप है ना, पहाड़ी वो क्या करो, तो बोल मच्छर भगवान वाला ज्यादा मेहनत नहीं लगती है निकालना है, थापना पानी पे थापना है। केन करवाए ना डांस, बिहार के हम दीदी के घर पे, दीदी ने हमको यहाँ पे क्या पिला रहे हैं, केचिया पहाड़ी दारू, देखिए अब सब यही पी रहे हैं। दोस्तों हम अभी लाए हैं जलेबी, और ये देखिए ये मेले की जलेबी है, इसको खा रहे हम। अरे पौन भी आ गए, ये मेरे को घर पौन मेरे को छोड़ नहीं दे रहे, घर में तो नहीं देते सुख शांति, बाहर भी नहीं दे रहे। हाँ ओ मेरे दास तीन ही खबर कर मुंता, हम दीदी के लिए यहाँ जले भी ना ना लोड़ो माँ लोड़ो पापा भी लोड़ो तई दिन को हम लाए दीदी के लिए जले भी दीदी दीदी को बोले तू वीडियो बना का ले तब ठीक तब कोलो फोन एक एक करके नंबर पे बैठ रहे चलो ठीक है तुमको थोड़ी होनी आप भैया होने दे घी बहनी सुहानी होनी जी लगनी चंदी बहनी बोल मैं चंद खेल में तीनों बैठते थे पर नसीब ही नहीं है अब तो तीन नहीं बने मैं भी बैठो जो दोस्तों हम बना रहे हैं रात का खाना, हम सब्जी बना रहे हैं, और यहाँ पे सब्जी की तैयारी हो रही है। ये देखिए सर दर्द हो गया है, कम कम बोलो तो ज्यादा कम कम हंसोगी। हम बड़ा दिन में कोठी चे परसों सुबेर में अरे तुम आका दुकान वाला हो तुम फोन है प्यार तो तुम याद हो भी नहीं करी ये रोटी भी खाई कि नहीं खाई कि बनाई कि नहीं बनाई सारे याद होने में आ पतली नंबर में बोलो और कैसे तू मान जुम्मन।